देखिए ओबीसी जी हो या अन्य उन जैसे कुछ और अन्य दल हैं जिनके दो दो चार चार सहभागी होते हैं कोई एमएलए एमपी, उसके बाद भी वो इस प्रकार की बात करने का उनको क्या अधिकार है। ये तुष्टिकरण की राजनीति करते करते देश को इतना पीछे इन्होंने छोड़ दिया 60 साल में। 2014 के बाद जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका विश्वास जीतकर सबका प्रयास सबका साथ लेकर जो ऐतिहासिक विकास किया है बिना किसी जात पात के, क्या हज में कितनी सरलताएं कर दी, हज के लिए कितने लाभ कर दिए, हज में जाने वालों को सुविधा कर दी, मातृशक्ति के लिए सबसे बड़ा लाभ कर दिया, मुस्लिम माताओं बहनों को सबसे बड़ा लाभ, 3 तलाक कितना बड़ा एक कैसा कर्म था ये 3 तलाक कि माताएं बहने कहीं भी सुरक्षित नहीं थी, 3 तलाक दे दिया और बिचारी 1 मिनट में रोड पे आ गई। तो किस प्रकार की बातें करने वाले, देश को तोड़ने की बातें, समाज को तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर सबका विश्वास जीत के काम करने वाले लोग हैं। अगर एक देश में एक कानून रहता तो अच्छी बात है। 370 के लिए भी उन्होंने ऐसा ही उटपटांग बातें करके माहौल बिगाड़ना चाहता, लेकिन कुछ हुआ, पूर्ण शांति है, कश्मीर में विकास हो रहा है और कश्मीर में अब कलम चल रही है, बंदूक नहीं चल रही। कश्मीर के अंदर अब पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, पर्यटन खूब आ रहा है, कश्मीर का विकास हो रहा है और बच्चे लोग पढ़ के आगे जा रहे हैं। एक समय था कश्मीर पत्थर थे और आतंकवाद था। तो इस प्रकार की ये बातें करके भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन लोग होने वाले नहीं है। सीए के नाम पे मुस्लिमों को भड़काने का प्रयास जो है वो इससे जैसे लोग कर, मुस्लिम समाज जान गया है बहुत अच्छी भली बात ही कि अब तक वोट बैंक के लिए इन लोगों ने इनको गुमराह किया है, इनका विकास नहीं होने दिया है और इनको ये जाति धर्म में फंसाए रखे, अटकाए रखे, इसलिए इनका विकास नहीं हो पाया। ये इनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनको आगे लाना चाहिए, जिसको ये पार्टियां ये जो ठगबंधन है इनके रोकना चाह रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज जो है उसका पूर्णतः विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और बार बार हम एक ही बात कहते हैं, 140 करोड़ लोगों का विश्वास जो है वो मोदी जी के साथ है। ये कितना ही अपना इस प्रकार का दुष्प्रचार कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। इस बार 400 पार। हाँ, अब ये माने कि कांग्रेस मुक्त भारत जो संकल्प है वो पूरा हो रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत संकल्प पूरा होगा। ये गांधी जी की बात करते हैं, गांधीवादी बात करते हैं, गांधी जी की कोई बात नहीं मानते। एक बात इन्होंने गांधी जी की मानी अब तक, कांग्रेस ने सिर्फ एक बात मानी है, जैसा गांधी जी ने कहा था कि आजादी के पश्चात कांग्रेस पार्टी समाप्त की जावे, मुक्त की जावे कांग्रेस। तो अब गांधी सरनेम झूठा लगाकर जो घूम रहे हैं बाबा, मतलब बहन भाई और मम्मी और जीजी जियाजी, ये लोगों ने ये संकल्प जरूर ले लिया है कि कांग्रेस में अच्छे काम करने वाले बुद्धिजीवियों की इनको जगह नहीं है कहीं, तो वो लोग स्वयं इनको त्याग कर और भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ आ रहे, जहां सेवा का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कम सामाजिक सेवा का एक संगठन है जो सर्व समाज की सेवा में विश्वास करती है। सबका स्वागत है, जो राष्ट्र की सेवा में आना चाहते हैं सबका स्वागत है, इसमें नाराजगी कैसी। ये राष्ट्र की सेवा में समर्पित भाव से जो आ रहे हैं, जिस प्रकार से फौजी कब ड्यूटी लग जावे विचार नहीं करता, इसी प्रकार से हमारे संगठन में परंपरा है कब किसको कहां सेवा का दायित्व दिया जावे, तो वही सेवा के काम में वो आना चाह रहे, अच्छी बात है। जितने भी डेलीगेट्स हैं मंच पे आके संपर्क करें, तो क्या कुछ आपकी तैयारी रहेगी, किस तरह से अचीव करेंगे? जिस प्रकार से 40 से ऊपर योजनाएं लगभग उज्ज्वला योजना के द्वारा करोड़ों करोड़ों माताओं बहनों तक गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंचा है, आयुष्मान भारत के द्वारा प्रत्येक स्वास्थ्य के लिए कार्ड बना जिसके 5 लाख पूरे देश में कहीं भी जाके इलाज करा सकता है, सुकन्या योजना है, अनगिनत कितनी योजनाएं ऐसी है 10,000 से लेके और लाख रुपए तक के छोटे फुटकर व्यापारियों के लिए, स्ट्रीट व्यवसायियों के लिए लोन है और उनकी गारंटी कौन ले रहा है? मोदी जी ये बात सत्य कही कि पहले एक समय था कि घर वाले आपस में पैसे देने में विश्वास नहीं करते, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं देना चाहता। आज बैंक एक रुपए से लाख रुपए तक लोन आप ले सकते हो और उसकी गारंटी नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। तो ये लोगों का जो जनकल्याणकारी काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है, देश किस कदर विकास की ओर बढ़ रहा है। कोई समय था कि एक सुई से लेकर और कोई बड़ी से बड़ा सामान विदेश से मंगवाना पड़ता था, आज ये वही देश है ये दुनिया को ये एक्सपोर्ट कर रहा है। और एक समय था कि यहाँ पर बाहर से यहाँ काम चल रहा था। तो देश जिस कदर विकास की ओर है, देश का जिस कदर विकास हो रहा है, लोगों का विश्वास है, वही विश्वास
वही विश्वास 400 पार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।